गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत। मेरी आवाज आ रही है? जो दो पिछले 5 7 दिन से जितने टेस्ट हो रहे हैं, वो सारे टेस्ट अगर आपने क्लास लेके दिए हैं तो फुल नंबर आएंगे। अब वर्षा बोल रही है, सर मैंने बहुत माइनस हो गए। आप क्लास देखना और टेस्ट में देखना कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। मैक्सिमम 90 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दो चार क्वेश्चन नहीं मिलते उसके लिए घबराना नहीं होता है। हालांकि सब मिल जाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि 100 के 100 मिले, बट मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है। होता क्या है कि जैसे आजकल टेस्ट है, उसमें सारे क्वेश्चन नहीं मिले तो या तो दो क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में मिलेंगे या जो आएगी उसमें मिलेंगे। अल्टीमेटली कुल मिला के होगा ये कि आपको 2 3 क्लासों में सारे के सारे क्वेश्चन, 2 4 कम मिलते हैं वो भी पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज ये टेस्ट 7 है वो कल है, और उसका जो ये क्वेश्चंस पेपर होगा आज होगा। टॉपिक का नाम होगा, टॉपिक का नाम क्या होगा? चल क्यों नहीं रहा भाई? टॉपिक के नाम सुन लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी, ऑलरेडी 10 मिनट लेट है अपन लोग। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड और एमनियोटिक फ्लूइड्स, और एबनॉर्मलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, और एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा एंड कोड, एंड कोड एबनॉर्मलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल 4 चीजें। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट कर ले। ठीक है, चलो पहला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की 3 करेक्टरिस्टिक होता है। ये डिस्कॉइड होता है, हीमोकोरियोन होता है, और डेसीडुएट होता है। क्या होता है? डेसीडुएट होता है। डेसीडुएट का मीनिंग क्या होता है? सिस्कोइड का मतलब मीनिंग क्या है? शेप की वजह से। होमोकोरियन का मतलब क्या है? डायरेक्ट ब्लड से कनेक्ट होने की वजह से। डेसीडुएट क्या है? नॉट ए परमानेंट, नॉट ए परमानेंट, सेड आउट होने वाला है। मदर में जो प्लेसेंटा होता है एट टर्म 1:6 रेशियो में होता है। कहने का मतलब 500 ग्राम प्लेसेंटा का वेट होगा तो 3 किलो अगर बेबी का वेट होगा तो 1:6 होता है। ये सेंटर से थोड़ा ज्यादा थिक होता है, साइड से कम थिक होता है। इसमें बहुत सारे कोटिलेडोन होते हैं। इसकी दो सरफेस होती है, एक मैटरनल सरफेस होती है और एक फीटल सरफेस होती है। फीटल सरफेस 80% होती है, मैटरनल सरफेस 20% होती है। 20 का मतलब 1/5, फीटस का मतलब 4/5 ज्यादा। फीटस वाली साइनी होती है, मैटरनल वाली रफ होती है। ये साइनी होती है, ठीक है। तो यही चीजें लिखी हुई है। ये कोरियोन का मेनली पार्ट है। मेनली किसका पार्ट है? कोरियोन का पार्ट है। इसकी कितनी सरफेस होती है? 2 होती है। मेनली फीटस से बनता है 80%, कोरियोन फ्रोंडोसम से। मैटरनल कंपोनेंट 20% किससे बनेगा? डेसीडुआ बेसिलसी, जो इनर लेयर की पार्ट होती है। 6 वीक पे बनना शुरू होता है, 12 वीक तक बनता है। 6 वीक से बनना शुरू होता है, 12 वीक बनता है। जब तक ये नहीं बनता है तब तक कॉर्पस लूटियम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू हार्मोनल बैलेंस बना के रखता है, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेट करके। ठीक है ये बात। हाँ, जल्दी से ध्यान दीजिए इधर। प्लेसेंटा 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। थिकनेस यहां से 3 सेंटीमीटर की होती है, साइड से 2 सेंटीमीटर का होता है। वेट आपको बता दिया। जब ये यूटेराइन कैविटी में ऑक्यूपाई होता है तो 30% जगह को कवर करता है। इसकी दो सरफेस बता दी, फीटस वाली थोड़ी स्मूथ बताई है, ग्लिसरिंग बताई है, जो 80% होता है वो बताई है। मैटरनल सरफेस होती है वो रफ होती है,
स्पंजी होती है जो डेसिडुआ बेसिलस से मिलके बनी होती है, उसका पार्ट है। इसमें बहुत सारे कोटिलेडॉन लॉब्स होते हैं, ठीक है ये बात। तो मैटरनल सरफेस का मतलब 1/5 20% पार्ट ही होता है, इतना हमें पता है। नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटा में दो प्लेट होती है, एक कोरियोनिक प्लेट होती है जो अंदर की साइड होती है और एक बेसल प्लेट होती है जो मैटरनल साइड होती है। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। कैसे? ये डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक है। एक तो मैटरनल प्लेट है और एक बेसल। कैसे? अच्छे से समझना। दो प्लेट कोरियोनिक और बेसल प्लेट, ये मैटरनल साइड है, ये कोरियोन की बच्चे वाली साइड है। चलो दोनों के बारे में अपन निचोड़ निकालेंगे। दोनों प्लेस प्लेट के बीच में जगह होती है, जैसे ये मैटरनल प्लेट है, ये कोरियोनिक प्लेट है, इसके बीच में ये जगह है, ये पूरी जगह है, इसको इंटरवीलस स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरवीलस स्पेस बोलते हैं, जिसमें क्या रहता है, मदर ने यूटेराइन आर्टरी स्पाइरल आर्टरी से जो ब्लड दिया है वो मैटरनल ब्लड रहता है, यहां से अम्बिलिकल वेन ब्लड उठा लेती है, ये आर्टरी वापस ब्लड डाल देती है, यहां से यूटेराइन वेन के थ्रू ब्लड चला जाता है। उसका अपन पूरा मैकेनिज्म अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस है, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, जस्ट ये लो। एंडोमेट्रियम में कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? यूटेराइन आर्टरी। चलो कहां है यूटेराइन आर्टरी? ये पड़ी, यूटेराइन आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांचेज, स्पाइरल ब्रांचेज। तो ये यूटेराइन आर्टरी ने सप्लाई किया, हाँ ये यूटेराइन आर्टरी ने सप्लाई किया, यहां से इसकी ब्रांचेज निकलती है, ये लो, ये रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है? इंटरवीलस। ये कौन सी प्लेट है? कोरियोनिक प्लेट है। ये कौन सी साइड हुई? फीटस की साइड, जिससे दो अम्बिलिकल आर्टरी एक वेन निकलेगी, ठीक है। ये कौन सी साइड हुई? बेसिलिक प्लेट। अब इसमें क्या बोलेंगे? कोरियोनिक प्लेट। ये हो गई मैटरनल प्लेट, इसके अंदर ब्लड रहता है, इसको सबको क्या बोलते हैं? इंटरवीलस स्पेस। क्या नाम देते हैं? इंटरवीलस स्पेस। अब इसका पूरा निचोड़ पड़ेंगे, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्लेसेंटा सर्कुलेशन में दो सिस्टम होते हैं, एक यूट्रस से प्लेसेंटा की तरफ, जैसे कि यूट्रस से प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है, इसको बोलते हैं यूटेरो प्लेसेंटल सिस्टम, इधर आया। दूसरा फीटो प्लेसेंटल, प्लेसेंटा से फीटस की तरफ जाएगा, किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ये हो गया सेकेंड, दोनों पढ़ लेंगे, दोनों कंटिन्यू होता है। एक मैच्योर प्लेसेंटा में बनाते हैं पूरा, एक मैच्योर प्लेसेंटा में लगभग लगभग 500 ml ब्लड होता है एनी टाइम। इंटरविलेज विलाई स्पेस में कितना होता है? 350। इंटरविलेज में 150। दोनों को मिला के कितना बच गया? 5। कैसे? प्लेसेंटा पूरी, ये पूरी प्लेसेंटा है, ये लो, इसमें टोटल ब्लड कितना है? 500। इसको दो में बांटो, एक ऐसी विलाई बना दो, इसके अंदर तो होगा 350 और दोनों विलाई के बीच में कितना होगा? 150। तो 350 है, उनमें से किसमें आएगा? अम्बिलिकल वेन के थ्रू। कहां चला जाएगा? फीटस में। मतलब प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड होता है, उनमें से 350 तो विलाई के अंदर है जो आगे सप्लाई हो जाएगा, 150 साइड में रहेगा, वो नेक्स्ट जो ही विलाई खाली होगी वो इसमें आ जाएगा, फिर यूटेराइन आर्टरी ब्लड डालेगी, फिर ये भर देगा, 150 फिर रह जाएगा, फिर नेक्स्ट खाली होगा अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ, फिर नेक्स्ट 150 इसमें भर जाएगा, ये वेटिंग में रहता है, ये 150 क्या रहता है? वेटिंग में रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, हर मिनट में 500 से 600 ml सप्लाई कैसे होता है? आगे इमेज में बताएंगे। एक पर मिनट में 4 बार, विलाई डिपेंड ऑन मैटरनल ब्लड एंड न्यूट्रिशन, कैसे सप्लाई करता है? अब आता है, दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है जो कि स्मॉल होती है, एक वेन होती है जो कि लार्ज होती है, ये सप्लाई को फॉलो करेगी। फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा 400 ml पर मिनट, अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर 60 mm ऑफ Hg होता है, अम्बिलिकल वेन का प्रेशर 10 mm ऑफ Hg होता है,
प्रेशर कम होता है वेन का, लेकिन SpO2 ज्यादा होता है अम्बिलिकल वेन का। कारण क्या है, क्या रीजन है? अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है बट SpO2 कम होता है। अम्बिलिकल वेन का प्रेशर कम होता है बट SpO2 क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। प्रेशर ज्यादा कम कम क्यों है, प्रेशर कम क्यों है इसमें, इसमें प्रेशर ज्यादा क्यों है, यह भी कॉम्प्लिकेशन सोचने वाली बात है। फीटल कैपिलरी अब क्या क्या होते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी में O2 सेचुरेशन 50 से 60, लेकिन वेन में उससे ज्यादा देखने को मिलता है, 72-80 देखने को मिलता है। ठीक है ये बात, हाँ सर, कल जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा यही कहीं से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंटरविलस स्पेस में जब यूट्रस रिलैक्स रहता है, बिल्कुल मिनिमल प्रेशर रहता है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ रहा है। जब यूटराइन आर्टरी में सप्लाई हो रही है, प्रेशर और ज्यादा हो जाता है, और ड्रेनिंग यूटराइन वेन के दौरान प्रेशर बहुत कम रहता है, क्योंकि यूटराइन वेन में जाएगा तो प्रेशर नहीं रहेगा। अब हम पूरा इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं, किसके थ्रू समझते हैं, एक मैं एक आपके सामने एक इमेज क्रिएट कर रहा हूं, सिक्वेंशियल डालूंगा, आपको पता चलेगा कि ये इमेज कैसे बन रही है। सबसे पहले देखना कैसे होगा, ये फीटस है, ये अम्बिलिकल आर्टरी है, ये अम्बिलिकल दोनों आर्टरी है, ये अम्बिलिकल वेन है, क्योंकि वेन एक होती है, आर्टरी दो होती है। इसमें लाल कलर की वेन क्यों की है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये पूरा का पूरा प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल आर्टरी है, ये अम्बिलिकल वेन है, सॉरी यूटराइन वेन है, ये यूटराइन आर्टरी है, ये यहां पर मदर है, मदर ने यूटराइन आर्टरी से ब्लड सप्लाई कर दिया, क्योंकि हार्ट का प्रेशर ज्यादा होता है तो उसने ब्लड डाल दिया, 500 ml ब्लड डालती है वो, कितना ml ब्लड डालती है, 500 ml, तो उसने प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मदर का होता ही ज्यादा है, तो आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसने इस प्रेशर के साथ में क्या किया, ब्लड डाल दिया, तो 350 तो इसके अंदर चला गया, ये 150 यहां बाहर कहीं रह गया, यहां पर यहां रह गया, 150 बाहर रह गया। अब ये क्या करता है, ये यहां से कौन अम्बिलिकल वेन क्या करेगा, लगभग 400 ml ब्लड उठा लेता है, 50 तो और बीच में से और 350 यस, तो ये वापस खाली हो गई, तो 150 तो ये आ जाएगा, नया जो 500 आया है उनमें से 350 चला जाएगा, वो नया ब्लड 150 फिर यहां रह जाएगा। तो अब इस प्रेशर के साथ में ये ब्लड आया, इंटरवेलस स्पेस में 150 रह गया, प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कम था, धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्लेसेंटा में 500 ml फ्लो था, ठीक है ये बात। अब विलस स्पेस में 350 ml ब्लड है, कितना ब्लड है, 350 ml ब्लड है। अम्बिलिकल वेन का प्रेशर क्या है, कम है, तो प्रेशर कम है तो प्रेशर ज्यादा किधर है, इधर है, इसीलिए हमेशा ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहां से ब्लड, ये 350 ml ब्लड इधर है, ये 150 इधर है, टोटल 500 है, इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, इसका मतलब ये ब्लड इधर चला गया, चला गया, ठीक है, देखो ये चला गया SpO2 लेके, क्योंकि ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो SpO2 अपने आप भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजन ब्लड लेके आ रही है, अब इधर प्रेशर लेके आ रही है, इधर आगे वेन है, यूटेराइन वेन है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इधर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा होगा तो सारा ब्लड इधर खाली कर देगी, या गैस एक्सचेंज होगा, ये यूटराइन वेन में जाएगा, ये यूटराइन वेन से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये राइट एट्रियम में चला जाएगा ब्लड, तो फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा इस टाइप से चलेगा। कैसे चलेगा, ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, बस इतना ही है, और कुछ है ही नहीं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, प्लेसेंटा में कौन सी सेल पाई जाती है, हॉपर सेल पाई जाती है, जैसे पैग सेल फेलोपियन ट्यूब में था, जैसे हाइलस सेल ओवेरी में था, लेडिंग सेल टेस्टिस में था, वैसे ही हॉपर सेल फेगोसाइटोसिस एंटी माइक्रोबियल एक्शन करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन,
प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी फंक्शन है, सारी ऑक्सीजन, सारा न्यूट्रिशन, सारा बैरियर का काम, एंटीबॉडी प्रिवेंशन सारा काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। तो ये सारा काम कैसे कैसे करेगी वो सब अलग अलग देखने को मिलेगा। जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके लिए फोर्थ लाइव बैच 8999, थर्ड लाइव बैच 7999, दीपावली धमाका फटाका ऑफर आपके लिए। नॉर्सेट प्री मेंस एनक्लैक्स एमसीक्यू बैच रिकॉर्डेड 4499, जेएनसी बुकलेट 2599, मार्थी मेगा डेली लाइव टेस्ट सीरीज 1798। क्या क्या फंक्शन है देखो, ये समझना पड़ेगा आपको। यहां से हल्का सा समझे आप माइंड, ग्लूकोज का ट्रांसफर कैसे होता है, ग्लूकोज फैसिलिटेट डिफ्यूजन जीएफ, ग्लूकोज फैसिलिटेट डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू, लिपिड और कैल्शियम फॉस्फेट आयरन, लिपिड कैल्शियम फॉस्फेट आयरन वाटर सोल्युबल विटामिन, ये सीधा का सीधा याद रखना है। अमाइनो एसिड कैल्शियम फॉस्फेट आयरन वाटर सोल्युबल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी चाहिएगी, जिसमें एनर्जी चाहिएगी। अब पीछे क्या बच गया, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिंपल डिफ्यूजन, फैट सोल्युबल विटामिन डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट, इसके साथ में लिख दो फैट एंड फैट सोल्युबल विटामिन, इसके साथ में क्या लिखोगे, कैल्शियम फॉस्फेट आयरन वाटर सोल्युबल विटामिन, बस। तो अम्लाइकल कॉर्ड, अम्लाइकल कॉर्ड यहां से ब्लड लिया, ये फीटस को दिया, इसकी लेंथ होती है 45 से 50 सेंटीमीटर, जब 20 से छोटा हो जाए तो वो शॉर्ट कहलाता है, जब बहुत बड़ा हो जाए 100 से लेके 300 से बड़ा हो जाए लॉन्ग कहलाता है, जब लॉन्ग होता है तो नोट लग सकती है, नोट एक तो होती है फॉल्स, एक होती है ट्रू, ट्रू हमेशा डेंजरस होती है, फॉल्स का मतलब पॉलीसेकेराइड की होती है, जिसका बोलते हैं अपन फॉल्स नोट, वाल्टन जेली की नोट लग जाती है, वाल्टन जेली पॉलीसेकेराइड का बना होता है और आरबीसी से भी ये थोड़ा बहुत बनता है, वाटर जेली से बनता है मेनली, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का पार्ट होता है। अम्लाइकल कॉर्ड को अपन लोग फनिस बोल सकते हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अम्लाइकल कॉर्ड की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, कॉर्ड छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बैटल डोर प्लेसेंटा इस अम्लाइकल कॉर्ड की एक डिफॉर्मिटी है, जिसके अंदर कॉर्ड प्लेसेंटा के सेंटर में ना चिपक के साइड में चिपक जाता है, उसको बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। और भी प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी के अंदर बैटल डोर आएगा, तो ये फनिस बोलते हैं, एक बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर होता है, फॉल्स नोट हो सकता है वाटन जेली की वजह से, ट्रू नोट डेंजरस होता है, कॉर्ड ज्यादा लंबा होगा तो नेक के अराउंड हो जाएगा जो रिस्क कॉज करेगा, अम्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए बहुत ज्यादा लंबा होने की वजह से, उसको अपन लोग कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं, और कॉर्ड प्रोलैप्स में हार्ट रेट बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसको वेरिएबल डीएसिलरेशन बोलते हैं, जो कि अपन लोग सीएसटी में पढ़ते हैं कि कॉर्ड प्रोलैप्स में कौन सी हार्ट रेट आती है, ठीक है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। क्या होता है इसमें, वॉर्टन जेली होता है, जो कि किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड विथ आरबीसी, ठीक है, और इसमें पहले चार वेसल्स होती है, दो आर्टरी होती है, दो वेन होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि लगभग 14 से 16 वीक पर राइट अम्लाइकल वेन डिसअपीयर हो जाती है बिकॉज ऑफ क्लोज कनेक्शन विद द ऑर्गन। पीछे कितनी बची, दो आर्टरी एक वेन, आर्टरी छोटी होती है, वेन बड़ी होती है, दो आर्टरी और एक वेन, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, एक में ऑक्सीजनेटेड एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगर आर्टरी कम है तो कोई न कोई डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, अगर आपको लगे कि बच्चा जन्म होते ही कम है तो आपको एबनॉर्मल मानना है, क्योंकि कोई न कोई एबनॉर्मलिटी है, ये बात भी ठीक है। अब आती है प्लेसेंटा की प्रॉब्लम,
प्लेसेंटा की ओर कोड की अबनॉर्मलिटी पढ़ते हैं। बैटल डोर प्लेसेंटा सुन के ये मत सोचना कि ये प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, ये प्लेसेंटा की प्रॉब्लम नहीं है, ये कोड का डिसऑर्डर है। ये किसका डिसऑर्डर है? बैटल डोर का मतलब होता है किनारे पे, किस पर? कॉर्नर पर। कोड प्लेसेंटा के कॉर्नर से चिपक गया। मोस्टली कहां चिपकना चाहिए? सेंटर पे चिपकना चाहिए। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की दो डिफॉर्मिटी होती है, एक होता है बैटल डोर, एक होता है वेलिमेंटस। क्या होता है सुनो, अगर कोई भी कॉर्ड प्लेसेंटा के सेंटर पे ना चिपक के अगर कॉर्नर पे चिपक जाए उसको बोलते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। मार्जिन मींस कॉर्नर। दूसरा होता है वेलिमेंटस। वेलिमेंटस का मतलब क्या होता है? ये कॉर्ड, इसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, ये कवर रहता है, जब तक प्लेसेंटा में एंटर नहीं कर जाए तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती इसकी विलाई, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, कवर रहती है। तो क्या लिखा है? वेलिमेंटस प्लेसेंटा इज ए कॉर्ड प्रॉब्लम। ये किसकी प्रॉब्लम है? कॉर्ड की प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा की नहीं है। द कॉर्ड इज अटैच टू द मेम्ब्रेन्स। कॉर्ड मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया विलाई में एंटर करने से पहले ही। ठीक बात है। वासा प्रीविया क्या है? कॉर्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। कॉर्ड पहले है, प्रेजेंटिंग पार्ट बाद में है, उसका नाम क्या दे दिया? वासा प्रीविया। ही आके जाके कॉर्ड प्रोलैप्स बन सकता है। अब आता है एबनॉर्मल लेंथ। कॉर्ड किसी का है ही नहीं, एक ऑर्डिया। शॉर्ट 20 से कम, लॉन्ग 300 से ज्यादा। अम्बिलिकल आर्टरी सिंगल है, टर्नर सिंड्रोम या कोई भी सिंड्रोम हो सकता है। अब प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी, किसकी अबनॉर्मलिटी? अब सुनना, थोड़ा अच्छे से सुनना, है ना। प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी देख लेते हैं, क्या होती है प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी। एक होती है प्लेसेंटा सक्सिन्ट्यूरेटा, एक होती है प्लेसेंटा स्पोरिया। दोनों सोचना, पूरी बात सुनना। सक्सिन्ट्यूरेटा और स्पूरिया दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। सक्सिन्ट्यूरेटा, एक लोब बड़ी एक लोब छोटी, प्लेसेंटा की दो लोब हो जाना बट इक्वल नहीं होना, दैट्स कॉल्ड सक्सिन्ट्यूरेटा। और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना, प्लेसेंटा स्पूरिया। व्हाट इज एक्स्ट्रा और मोर स्मॉल लोब्स ऑफ प्लेसेंटा एबनॉर्मली, दैट्स कॉल्ड सक्सिन्ट्यूरेटा। ए प्लेसेंटा हैविंग द कंप्लीट लोब नॉर्मली, बट इन दिस कंडीशन द प्लेसेंटा हैविंग एबनॉर्मल स्मॉल लोब विद कम्युनिकेशन विलाई, दैट्स कॉल्ड सक्सिन्ट्यूरेटा। इफ द नो कम्युनिकेशन बिटवीन द स्मॉल लोब एंड द लार्ज लोब एंड बोथ आर द एबनॉर्मली, दैट्स कॉल्ड द प्लेसेंटा स्पूरिया। क्या समझे? सक्सिन्ट्यूरेटा में दो लोब होती है, दोनों बराबर नहीं होती है, अगर बराबर होती तो उसका नाम बाइलोबेट प्लेसेंटा होता। क्या होता? बाइलोबेट प्लेसेंटा होता। होता क्या है? दो लोब है, कम्युनिकेशन विलाई है तो सक्सिन्ट्यूरेटा, कम्युनिकेशन विलाई नहीं है तो उसका नाम पड़ गया हमारे सामने, जिसको अपन लोग बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। ठीक है। अब आता है एक्स्ट्रा कोरियन। कोरियन की एक्स्ट्रा लेयर बनाते हैं, इसमें दो टाइप, एक होता है सर्कमवेलेट, एक होता है मार्जिनेटा। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? हल्का सा डिफरेंस है। अगर बाय चांस प्लेसेंटा के ऊपर एमनियन कोरियन की रिंग बन जाए, एमनियन कोरियन की रिंग बन जाए, उसको बोलते हैं ये प्लेसेंटा है। इसके ऊपर डबल एमनियन कोरियन की रिंग बन जाए तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सर्कमवेलेट। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा के ऊपर सरकम सरकम गोल गोल एमनियन कोरियन की रिंग बन जाए, सर्कमवेलेट। क्या बोलते हैं? सरकम वेलेट। और उसके ऊपर फाइब्रस रिंग बन जाए बट फाइब्रस टिश्यू की रिंग बने, एमनियन कोरियन की नहीं बने, रिंग बने, रिंग बने,
बट एमनियन कोरियन की नहीं बने, उसको बोलते हैं मार्जिनेटा। क्या बोले? मार्जिनेटा। कितनी पढ़ी? चार पटली। क्या क्या पढ़ी? सक्सिनक्यूरेटा। क्या होता है? एक लोब छोटी एक बड़ी कनेक्शन। दूसरा क्या पढ़ा? स्पूरिया, नो कनेक्शन। तीसरा सर्कमवेलेट कवरिंग ऑफ एमनियन कोरियन, कवरिंग बट फाइब्रस टिश्यू, मार्जिनेटा। कौन सा नेटा? अब आता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स, लार्ज एंड अनड्यूली लार्ज थिन फैली हुई प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स? फैली हुई प्लेसेंटा, लार्ज एंड थिन। फैली होगी तो थिन ही होगी, सीधी बात है। फैली हुई प्लेसेंटा हो गई, खत्म हो गई। अब आता बाई, दो बराबर लोब होंगे बाइलोबेट, दो बराबर लोब होंगे बाइलोबेट। एक और बताओ देखें, प्लेसेंटा फेनिस्टेटा। फेनिस्टेशन का मतलब होता है छेद, छेद होगा तो सीधा बोल दो थिनिंग ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कुछ पार्ट थिन हो गया, बीच बीच में से हॉल हो गए, दैट्स कॉल्ड फेनिस्ट्रेटा। क्या बोलते हैं इसको? फेनिस। अब आता है एमनियोटिक फ्लूइड्स। प्लेसेंटा हो गया, हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, हो गया, हो गया। अब क्या बचा? एमनियोटिक फ्लूइड, ऑलिगोहाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमनियोस। ठीक, एमनियोटिक फ्लूइड ये स्ट्रो कलर का होता है, वेरी गुड। पहले कम होता है, फिर और ज्यादा होता है, फिर और ज्यादा होता है। एट टर्म 36 वीक पे 1000 ml होता है, एट टर्म 40 वीक पे 600 से 800 ml होता है। स्ट्रो होता है, क्लियर होता है, ये इसका नॉर्मल अपीयरेंस है। ये एमनियोटिक फ्लूइड फीटल के स्वॉलो करने से और फीटल के यूरिन आउटपुट से बदलता रहता है। इसका मतलब मदर में ऐसी कोई डिजीज जो फीटस यूरिन आउटपुट को अफेक्ट करती है, मदर की ऐसी कोई डिजीज जो फीटल यूरिन आउटपुट को चेंज करती है, मदर फीटस की ऐसी कोई डिजीज जिसमें स्वॉलो नहीं कर पाता है, मदर फीटस की ऐसी कोई डिजीज जिसमें यूरिन आउटपुट नहीं आता है, उससे ये अफेक्ट होगा। आई समझ में? हाँ, पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। एकदम किसी को नहीं पता कैसे बनता है, लेकिन 50% मैं बता दूंगा कैसे पड़ता है। ये एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन का मतलब मोर देन 7 इसकी पीएच है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी में बहुत डाइल्यूटेड होता है, यूरिन से भी ज्यादा डाइल्यूटेड होता है। हाइपोटोनिक होता है, पीएच इसकी 250 के अराउंड होती है, जो 250 से कम होती है उसको अपन हाइपोटोनिक मानते हैं। कलर इसका कलरलेस स्ट्रो कलर का होता है, स्ट्रो कलर होता है। अब इसकी एबनॉर्मल कलर के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बनता कैसे, बात करते हैं, बात कर ले ये कैसे बनता है। पहला, अगर मदर को डायबिटीज है तो मदर क्या करेगी? मदर को हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मदर को हाइपरग्लाइसीमिया। जन्म से पहले बेबी को ग्लूकोज ज्यादा ट्रांसफर होगा, बेबी को भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। जन्म से पहले कह रहा हूं, बाद में कभी नहीं होता क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाता है, फिर कहां से जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो बेबी को पॉलीयूरिया होगा, बेबी नहीं बोलना है फीटस बोलना है, पॉलीयूरिया होगा, एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होगा। तो मदर अगर डायबिटीज है तो बेबी को पॉलीहाइड्रो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होता है उसको मदर को पॉलीहाइड्रोमनियोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रो। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। एक प्रॉब्लम होती है, फीटस को एनेंसीफेली है। क्या है? ENEN, एनेंसीफेली। ये मोस्ट कॉमन है, एनेंसीफेली है। एनेंसीफेली का मतलब फीटस की ग्रोथ नहीं होती है, फीटस के ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती है। द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन टिश्यू, द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन वॉल्ट, द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द क्रेनियम कैविटी ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लीड टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द ADH लीड टू एनेंसेफेली होगा तो ADH नहीं होगा। सीधी सी बात बताओ, ADH नहीं होगा तो पॉलीयूरिया होगा फीटस को, फीटस को पॉलीयूरिया होगा
तो पॉलीहेड्रामियन होगा। वेरी गुड। तीसरा, अगर पीटर्स को ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला और ट्रेकियो एट्रेसिया है, किसको? फीटस को। तो फीटस क्या करता है, 400 से 1200 ml नॉर्मली स्वालो करता है। किडनी 10 वीक से 12 वीक से बनाना शुरू कर देती है यूरिन। किडनी नॉर्मली 12 वीक से यूरिन शुरू कर देती है 400 से 1200 ml। तो जैसे ये स्वालो करता है, अगर इसको ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला होगा तो क्या बेबी एमनियोटिक फ्लूड को स्वालो कर पाएगा? नहीं। तो अगर बेबी एमनियोटिक फ्लूड को स्वालो नहीं कर पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूड यूटेराइन कैविटी में ज्यादा होगा, अगर वो ज्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रामनियंस होगा। क्या होगा? पॉलीहाइड्रामनियंस होगा। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। चार, रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस, रीनल का मतलब होता है किडनी, एजेनेसिस का मतलब होता है मालफॉर्मेशन, या इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, कुल मिला के किडनी बनी नहीं तो यूरिन क्या आएगा? कम आएगा, तो ऑलिगोहाइड्रामनियम। और यूरिन बेबी को नहीं आ रहा है, फीटस को, तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हुआ कि ज्यादा? कम हुआ। यस और नो? यस। ठीक है, यही तो लिखा है यहां पर, और क्या लिखा है? यही तो लिखा है, फीटल से, मेम्ब्रेनियस से, स्वालो से, फीटल लंग से, यूरिन से, बस वही तो लिखा है सर। इसमें कॉम्प्लिकेशन लिखा है, मैंने इजी इजी समझा दिया। वेरी गुड। अब नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर स्ट्रोक आउट, कैसा कलर का होता है? स्ट्रोक कलर। अब आ जाओ आगे जल्दी से। अगर ये पी सूप का कलर है, पी सूप समझते हो, डायरिया में पी सूप स्टोर होता है टाइफाइड में, मतलब ग्रीन कलर है, तो फीटल डिस्ट्रेस है। अगर ये एकदम सोने जैसा है, सोना समझते हो, सोना तीन होता है, सोना तीन होता है, सोना सोना सोना, एक सोना होता है गोल्ड, एक सोना होता है स्लिप, एक सोना होता है आपका सोना पर्सन। मैं कह रहा हूं गोल्ड वाला सोना, मतलब गोल्डन कलर। आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आर एच नेगेटिव मदर, आर एच पॉजिटिव फीटस। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तीसरा होता है तबाको जूस। तबाको जूस काले कलर का होता है, काला मतलब ब्राउन कलर, लगभग काला पूरा नहीं, ब्राउन कलर, मतलब ओल्ड ब्लड। ओल्ड ब्लड डेथ किसमें आता? इंट्रा यूटराइन डेथ या मिस्ड एबॉर्शन। कौन सा एबॉर्शन? अब आता है लड़कियों का फेमस कलर, जिसको बोलते हैं सैफ्रॉन कलर, केसरिया कलर। कौन सा कलर? ग्रीनिश येलो बोलते हैं, पूरा ग्रीन नहीं, ग्रीन और येलो का मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? सैफ्रॉन कलर। कौन सा कलर? सैफ्रॉन कलर। और सैफ्रॉन कलर का मतलब होता है मोर देन 294 डेज, मोर देन 42 वीक, दैट्स कॉल्ड पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी, कौन सी मैच्योरिटी? पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, वेरी गुड, आ गया, ये सब समझा दिया मैंने, लिख दिया इसमें सब। ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग हो गया। अब आता है वॉल्यूम, कितना होता है आपको ये याद रखना है, एटम कितना होता है। ये कम क्यों हो जाता है? एंगेजमेंट की वजह से थोड़ा बहुत लीक हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट, ऑस्मोलरिटी बता दी, सब बता दी। अब आता है कंपोजिशन, 99% इसमें वाटर होता है, 1% में ऑर्गेनिक भी होगा इनऑर्गेनिक भी होगा। ग्लूकोज इसके अंदर कितना होता है? 20 mg/dL होता है, बस इतना याद रखना। बाकी कंपोजिशन में 99% वाटर याद रखना, 1 से 2% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और ग्लूकोज कितना होता है? 20 mg/dL, बाकी इसका कोई कंपोजिशन याद नहीं। फंक्शन, फंक्शन में सबसे पहला है प्रोटेक्ट द फीटस,
प्रोटेक्ट द फीटस। कैसे? एमनियोटिक फ्लूइड कैविटी इज ए स्विमिंग पूल, इट इज ए स्विमिंग पूल, स्ट्रो कलर का स्विमिंग पूल, इसमें बेबी तैर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब आप पानी समझ गए, स्विमिंग पूल में कूदे और पता चला पानी है ही नहीं, सर तुड़वा लोगे। तो ये बेबी को बचाता है किससे? शॉक एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? शॉक एब्जॉर्ब। क्या टेम्परेचर मेंटेन होगा जब आपको भयंकर गर्मी लगती है? भयंकर गर्मी लगती है तो आप स्विमिंग पूल में जाके तैर लेते हो, आपका टेम्परेचर ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बहुत बढ़िया। टेम्परेचर मेंटेन, शॉक एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्ट द फिटेस्ट। क्या ये न्यूट्रिशन देता है? नहीं देता। अगर ऑल ऑफ द अबव में आ जाए तो देता है, तीनों ये आ जाए, चौथा आ जाए न्यूट्रिशन, तो सब कर देना यस। क्या ये न्यूट्रिशन देता है? नहीं देता। अगर पूछ ले इनमें से कौन सा काम नहीं है तो नहीं देगा। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और बताइए क्लिनिकल इंपोर्टेंस। अगर एमनियोटिक फ्लूइड या तो नॉर्मल है, या एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, या एमनियोटिक फ्लूइड कम है, कैसे पता चले? हम करेंगे यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये चार पॉकेट करेंगे, कितने? चार। अगर ये चारों पॉकेट 5 से 25 के बीच में है तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है। अगर 5 से कम है तो ओलिगोहाइड्रोएम्नियोसिस, अगर 25 से ज्यादा है पॉलीहाइड्रोएम्नियोसिस। पॉली की डेफिनेशन क्या है? या तो 2000 ml से ज्यादा हो जाए, या 25 सेंटीमीटर से AFI ज्यादा हो जाए, या एक वर्टिकल पॉकेट 8 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए। एक वर्टिकल पॉकेट किससे ज्यादा हो जाए? किससे ज्यादा हो जाए? ओलिगो की डेफिनेशन क्या है? या तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम हो जाए, या एक वर्टिकल पॉकेट 2 सेंटीमीटर से कम हो जाए, या फ्लूइड 200 ml से कम हो जाए, या बेबी बेबी दिखे, फीटस ही फीटस दिखे यूट्रस में, यूट्रस फुल ऑफ फीटस। अरे किसी स्विमिंग पूल में पानी नहीं है और आप अंधेरे में हाथ डालोगे तो पानी होगा तो पानी दिखेगा, नहीं तो पर्सन ही दिखेगा ना। अगर स्विमिंग पूल में आपको ने एक्सपीरियंस किया और वहां पे बेबी बेबी दिख रहा है, इसका मतलब ओलिगो है, पॉली नहीं है, इसका मतलब ओलिगो है। इफ द यूट्रस फील द फुल ऑफ फीटस, द इंडिकेशन ऑफ ओलिगोहाइड्रोएम्नियोसिस नॉट पॉली, क्योंकि यूट्रस में सिर्फ फीटस का फील होना पानी की कमी को दर्शाता है, अदरवाइज हमें दिखता पानी है ज्यादा। ठीक है, वेरी गुड। अब एमिनोसेंटेसिस करते हैं, कई बार ज्यादा हो जाए तो अर्ली करते हैं तो 13 से 14 वीक पे करते हैं, नॉर्मली करते हैं तो 15 से 20 के बीच में करते हैं, सिरिंज डाल के करते हैं, ठीक है। उससे पहले ब्लेडर को खाली करवाएंगे, ये बात भी ठीक है। स्टराइल कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये बात भी ठीक है। कोई भी फीवर, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, कैसी भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, इन्फेक्शन हो जाए, कॉन्ट्रेक्शन आ जाए, ब्लीडिंग हो जाए, कुछ भी, ठीक है। किस लिए करते हैं? अगर 15 से 20 वीक के बीच में करते हैं तो RH इसके लिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए कर रहे हैं। अगर 30-32 वीक के बाद कर रहे हैं तो लंग्स मैच्योरिटी के लिए कर रहे हैं, पर्पज अलग अलग है दोनों का, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई, ये एमिनोसेंटेसिस कर रहे हैं, प्रोसीजर समझ में आ गया। एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज का चेक करने के लिए अपन लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं। नेट्राजिन टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं? नेट्राजिन टेस्ट करते हैं। क्या होता है? सर्वाइकल म्यूकस का सैंपल लेते हैं। याद करो नम्मी क्लास, 9th क्लास को याद करो, जो नीले को लाल कर दे, लाल को नीला कर दे लिटमस पत्थर, सर्वाइकल म्यूकस के सीक्रेशन को नेट्राजिन पेपर पे डालेंगे। कौन से पेपर पे डालेंगे? नेट्राजिन पेपर पे डालेंगे। अगर ये ब्लू हो गया तो सीक्रेशन एल्केलाइन है, इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है,
और वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। अगर ये ब्लू नहीं हुआ इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज नहीं है, इसको बोलते हैं नो रिस्क। अगर पीएच 7 या 7 से ज्यादा है तो कलर चेंज, ठीक है, लिटमस पत्र हो गया। एक होता है फरन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फरन टेस्ट ओवुलेशन में भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। सर्वाइकल म्यूकस का सैंपल लेते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अगर फरन लाइक, थ्रेड लाइक अगर स्ट्रक्चर बनती है तो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज है, नहीं बनती है तो नहीं है। हो गया क्लियर? ये आपका आज का टॉपिक हुआ खत्म। आज का टॉपिक हुआ खत्म। मैं लेता हूं 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद होगी अपनी पीवाईक्यू की क्लास। थैंक यू सो मच। कल टेस्ट दे देना आप लोग।